नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे जब किचन को दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन में बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। जब किचन को, रसोई को दक्षिण दिशा में बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों किचन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह, सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ। किचन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है, तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें उस वीडियो को देखने से आपको किचन कहाँ बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरे कारण बताए हैं, पूरे लॉजिक बताए हैं, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। दोस्तों किचन बनाने के लिए सबसे जो उचित जगह होती है, सबसे अच्छी जो जगह होती है वो होती है आंगने कोण, दक्षिण पूर्व दिशा। लेकिन दोस्तों आजकल जगह की कमी की वजह से या और भी बहुत से कारण बन जाते हैं, उसकी वजह से किचन को हमेशा आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व दिशा में बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब दोस्तों जब किचन आग्नेय कोण में नहीं बनाई जाती तो उससे क्या होता है दोस्तों कि वास्तु के जो नियम है उनका उल्लंघन हो जाता है। दोस्तों घर में कई तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे खाना बनाना, नहाना, पढ़ाई करना, सोना, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। तो हर एक एक्टिविटी के लिए एक उचित स्थान वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि किस एक्टिविटी के लिए कौन सा स्थान उचित है। तो दोस्तों क्या होता है कि अब जैसे किचन बनाने के लिए जो सबसे उचित स्थान बताया गया वो बताया गया आग्नेय कोण, तो जब यहाँ से इसका जो आइडियल प्लेस है किचन का वो है आग्नेय कोण, तो अब इसके आइडियल प्लेस से, इसकी सबसे उचित जगह से इसको हटाकर कहीं और बनाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों कि जो एनर्जीज होती हैं उनमें असंतुलन पैदा हो जाता है। और जब असंतुलन पैदा होता है दोस्तों तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं और वो दुष्परिणाम सामने भी आते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि जब किचन को दक्षिण दिशा में बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा मतलब आग्नेय कोण, तो इस दिशा के स्वामी हैं अग्निदेव। अब ये स्थान दोस्तों कामधेनु का स्थान है। अब कामधेनु के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तब उसमें से 14 रत्न निकले थे दोस्तों। अब वो जो 14 रत्न थे उनके मैं आपको नाम बताता हूँ दोस्तों, तो वो थे श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धनवंतरी, धनुधेनु, तरु, विष, चंद्र, अरु, वाज। तो दोस्तों 14 रत्नों में कामधेनु गाय मतलब धेनु, तो कामधेनु गाय भी प्रकट हुई थी। अब दोस्तों इनको, कामधेनु गाय को सभी गायों की माता के नाम से जाना जाता है, और कामधेनु गाय वो देवी गाय है, वो देवी है जो सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। दोस्तों कामधेनु गाय किसी भी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को देने वाली है,
पोषण को देने वाली है और इसकी जो देने की मात्रा है वो असीमित है। तो कामधेनु गाय का सीधा सीधा संबंध स्वादिष्ट भोजन से है दोस्तों। और इसके लिए जो सबसे सर्वोत्तम स्थान होता है कामधेनु गाय के लिए वह आग्नेयकोण, जहाँ पर पाकशाला होती है। दोस्तों पुराने ज़माने में किचन को, रसोई को पाकशाला बोला जाता था। तो दोस्तों ये कामधेनु का स्थान है दक्षिण पूर्व दिशा, और ये दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा शुक्र का स्थान है। खाने में दोस्तों, भोजन में जो भी रस आता है, जो भी स्वाद आता है, वो सब शुक्र की वजह से ही आता है। अब दोस्तों क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या प्रभाव आता है जब किचन को दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। तो दोस्तों किचन को ले जाया गया मंगल, वाज और यम के स्थान पर। दोस्तों दक्षिण दिशा ये वाज का स्थान है, मंगल का स्थान है और यम का स्थान है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो मंगल तो हम जानते ही हैं कि मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह का स्थान है। अब दोस्तों वाज, तो वाज दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ था, देव और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तो उसमें से दोस्तों वाज भी प्रकट हुए थे। तो वाज भी 14 रत्नों में से एक है। तो वाज जो है दोस्तों वो है उच्च शर्वा अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। तो ये है दोस्तों, ये देवताओं का राजकीय अश्व है उच्च शर्वा, देवताओं का घोड़ा है दोस्तों ये उच्च शर्वा। ये ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होता है। इसके दोस्तों 7 मुख बताए गए हैं, 7 मुंह बताए गए हैं, और इसमें उड़ने की शक्ति भी थी। दोस्तों इसे दक्षिण दिशा में रखा जाता है, साउथ डायरेक्शन में रखा जाता है। सबसे जो सर्वोत्तम स्थान है वाज के लिए, कुछ शर्वा अश्व के लिए, वो दक्षिण दिशा है। और दोस्तों दक्षिण दिशा ये मास्टर बेडरूम का भी स्थान होता है, प्रमुख शयन कक्ष होता है दोस्तों, मास्टर बेडरूम का स्थान होता है। और ये घर के मुखिया का भी स्थान होता है यहाँ पर दक्षिण दिशा में। तो दोस्तों वाज के बारे में मैंने बताया। अब दोस्तों बात करें यम के बारे में, तो यम के बारे में भी मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों यम ये दक्षिण दिशा के देवता हैं, और यम मृत्यु के देवता हैं, और दिवंगत आत्माओं पर इनका अधिकार है। अब दोस्तों मृत्यु के देवता होने के कारण ये न्याय के व्यवस्थापक होते हैं, और न्याय की व्यवस्था करते हुए पूर्व कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यम विवस्वत के सूर्य के रूप में जन्मे प्रथम पुत्र हैं, और शनि इनके भाई हैं और यमुना इनकी बहन है। कठोपनिषद में दोस्तों यम को बालक नचिकेता के गुरु के रूप में दर्शाया गया है। इनकी जो बातचीत है यम की और नचिकेता की कठोपनिषद में, वो मानव जाति की प्रकृति, आत्मा और मोक्ष ज्ञान को दिखाती है। कठोपनिषद में दोस्तों यम ने खुद को ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता के रूप में स्थापित किया है। तो दोस्तों किचन को मंगल, वाज और यम के स्थान पर ले जाया गया। तो दोस्तों किचन को मंगल, वाज और यम के स्थान पर ले जाया गया, मतलब कामधेनु को और शुक्र को इस स्थान पर ले जाया गया। अब दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये हॉट जोन और ड्राई जोन के मिलन का स्थान है, उष्ण क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र, हॉट जोन और ड्राई जोन, इनके जो मिलन का स्थान है ये दक्षिण दिशा। अब दोस्तों शुक्र से संबंधित क्रिया को, शुक्र के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसका स्थान दक्षिण पूर्व दिशा में होता है, और भोजन में जो भी रस और स्वाद आता है वो शुक्र के कारण आता है। तो शुक्र से संबंधित क्रिया को मंगल के ऊपर, मंगल के स्थान पर ले जाया गया। अब दोस्तों शुक्र को जब यहाँ लाया गया तो शुक्र और नज़दीक होगा राहु के,
क्योंकि यहाँ से नज़दीक है दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, यहाँ से नज़दीक है दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसके स्वामी है राहु। तो शुक्र को राहु के नज़दीक ले जाया गया। अब दोस्तों क्या होता है कि जब शुक्र, अब जब किचनियाँ बनाई गई दक्षिण दिशा में, तो क्या हुआ दोस्तों कि शुक्र, मंगल, वाज, यम, शुष्क और उष्ण क्षेत्र, हॉट जोन और ड्राई जोन, ये सब मिल गए आपस में। अब इन सब के मिलने से जो दुष्परिणाम सामने आए दोस्तों, उनके बारे में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों भोजन का, भोजन जब बनता है तो भोजन का तीखा मसालेदार, मतलब भोजन तीखा बनता है, मसालेदार बनता है, लेकिन स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों परिवार के किसी सदस्य के चरित्र पर संदेह होता है, परिवार के किसी सदस्य का चरित्र खराब हो जाता है। महिलाओं में, घर की महिलाओं में स्त्री रोग जैसी समस्या हो जाती है दोस्तों, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ में। अब दोस्तों बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तर्क संगत बात के महिलाएं हावी हो जाती हैं घर के अंदर, और दोस्तों घर में हमेशा झगड़े का वातावरण बना रहता है, घर में हमेशा कलेश, लड़ाई, झगड़ा होता रहता है। तो दोस्तों इस तरीके के दुष्परिणाम सामने आते हैं जब किचन को दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।